खौफ के साए में पाकिस्तान पहुंची ऑस्ट्रेलिया की टीम। सीरीज से पहले ही ऑस्ट्रेलिया टीम में पाकिस्तान का खौफ। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले अगर आप भी हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैन तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी अगले आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम 24 साल के बाद पाकिस्तान पहुंच गई है। इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच 3 टेस्ट मैच, 3 वनडे और 1 टी20 मुकाबला खेला जाएगा। सीरीज का पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से रावलपिंडी में शुरू होगा। एकमात्र टी20 मैच 5 अप्रैल को खेला जाएगा। इससे पहले आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया ने 1998 में पाकिस्तान का दौरा किया था। पैट कमिंस की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम चार्टर्ड फ्लाइट के तहत पाकिस्तान पहुंची है। ऑस्ट्रेलिया के बाद इसी साल इंग्लैंड का भी पाकिस्तान का दौरा प्रस्तावित है। साल 2009 में पाकिस्तान में श्रीलंकाई बस टीम पर आतंकी हमले के बाद से कोई भी टीम वहां जाने से कतरा रही थी। ऑस्ट्रेलिया टीम ने भी 5 साल पहले लाहौर में चर्च में आत्मघाती हमले के बाद पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी बार 1998 में जब पाकिस्तान का दौरा किया था, उस समय उसने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज 1-0 से अपने नाम की थी। सुरक्षा अधिकारी ने ऑस्ट्रेलियाई टीम के पाकिस्तान पहुंचने की पुष्टि की है। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने भी सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर लिखा है कि टीम पहुंच चुकी है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ लिमिटेड ओवर की आगामी सीरीज के लिए अपनी 16 सदस्यीय टीम से कई स्टार खिलाड़ियों को दूर रखा है। पेस तिकड़ी पैट कमिंस, जॉर्ज हेजलवुड और मिचेल स्टार्क सहित विस्फोटक ओपनर डेविड वार्नर और ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल का जलवा नहीं दिखेगा। इन सभी खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। तो दोस्तों, इस पर आप भी अपनी राय जरूर दें कि आपके मुताबिक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली सीरीज को कौन सी टीम जीतेगी, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही क्रिकेट के मैदान से जुड़ी ऐसी ही और खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।